जय हिंद बच्चों, अब हम जा रहे पढ़ने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के लिए हम लोग पढ़ेंगे उसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, या उसे पहले पढ़ेंगे कि उसकी इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितना होता है, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस कितनी होती है। तो आइए पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। तो आइए देखें, अगर हम कहते हैं यहाँ पर इधर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कितना चार्ज, प्लस जेड ई। अब प्लस जेड ई यहाँ पर चार्ज है, इसके सराउंडिंग में ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच का यहाँ का रेडियस कितना ले लें, आर। मान लीजिए इसके ऑर्बिट की रेडियस है आर। अब यहाँ पर बताइएगा, जब ये मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मोशन का, तो मान लीजिए उसका लीनियर वेलोसिटी क्या है, v है, उसकी लीनियर वेलोसिटी v है। तो लीनियर वेलोसिटी v है, आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। तो v नोन है, द सेंट्रीपिटल फोर्स, फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, mv स्क्वायर बाई r। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के, तो इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो कितना होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब आपको ये भी पता है कि इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, कूलम्बिक फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, सही है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा उसका वैल्यू कितना होगा बेटा, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू के कहो चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस चार्ज जेड ई इनटू ई अपॉन में आर का स्क्वायर। बोला जी सर, जी सर। ये दोनों फोर्स किस पर लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर ही। तो यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। क्योंकि आप लोग को पता है किसी धागे को बांध कर ऐसे घुमाते, धागे से अगर कोई पार्टिकल को बांध कर ऐसे घुमाते हैं आप, तो उसमें जो वो घूम रहा है उस पर हमेशा लगातार एक फोर्स लगता है सेंटर, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। वो कहां से लगा, यही सेंटर से लगा, अंगूठे से ना, तो यही खींच रहा है उसको, बाहर जाने चाह रहा है नहीं, यही खींच ले रहा है। तो इसलिए जो अंदर खींच रहा है वो कौन खींच रहा है, बताइए कौन खींच रहा है, प्लस जेड, मतलब कौन, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस खींच रहा है सेंटर की ओर, तो सेंटर की ओर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहीं ना कहीं कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से ही है। इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का है बराबर है, क्योंकि यही फोर्स उसको अंदर की ओर खींच रहा है और सर्कुलर पाथ में मोशन करा रहा है। तो वही है सेंट्रीपिटल फोर्स, वही है सेंट्रीपिटल फोर्स भी, वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों को इक्वेट कराइए। बताइए बेटा इक्वेट कराएंगे तो क्या आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अरे आर से आर एक को टिपा जाएगा, एक बार बचेगा। अब बताइए इस आर को इधर भेजिए, तो बताइए क्या आया, आर इज इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर। बोलिए इतना समय का, सुनाया ये है रेडियस किसका, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का, सुनाया क्या। अब सुनेगा, अगर फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर एच एटम मतलब हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू बेटा, जेड का वैल्यू 1, तो बताओ क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, या के लिखना हो तो के लिखिए, इनटू जेड ई स्क्वायर। जेड को हटाइए ना, अरे जेड को हटाइए, जेड 1 हो गया ना, तो ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर। समझ आया क्या, इतना ऑर्बिट का रेडियस। ओके अब दूसरी बात सुनिए, तो आएगा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, पहले इसका ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कितना होगा ये पता चलेगा, ठीक है ना। अब उसका मास रख लेंगे, वेलोसिटी जो है मूव कर रहा है वो आप रख सकते हैं, लेकिन अब जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी निकालने किसी इलेक्ट्रॉन का, किसी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अरे काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम बेटा एम वी स्क्वायर इक्वल टू बताओ इतना है कि नहीं, जी सर। अरे यार कट करके देखो बताओ कितना है, 1/2 इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एम इनटू, अरे mv स्क्वायर का वैल्यू है ना, mv स्क्वायर का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। एक क्वार है बेटा, एक को कर चुका है ना, तो बोलिए अब बताइए ये कितना हो गया, बोलिए जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई की जगह 8 पाई, यस सर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर काइनेटिक एनर्जी होगी। बोलो कितना बढ़िया है, समझ आया कि नहीं। अब यहां पर जेड का वैल्यू 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन के लिए, जेड का वैल्यू 2 रखेंगे तो हीलियम के लिए, नियान के लिए, लिथियम के लिए, सबके लिए निकल जाएगा। तो बोलो इस समय के लिए काइनेटिक एनर्जी, ए बेटा आपको पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला पहले से पता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अरे v into q, w is equal to या u is equal to ना, तो बताओ v का वैल्यू कितना, 1 by 4 by epsilon naught into z e upon में r into alpha, क्या था, इलेक्ट्रॉन है तो e, अब बताओ कितना आया, 1 by 4 by epsilon naught z का वैल्यू 1 अगर कहे हाइड्रोजन के लिए तो क्या आएगा, अभी अभी पहले फिलहाल रखो e square upon में r, आएगा ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। लेकिन एक बात सुनना, क्या बस एक सेकंड का, क्या ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ये आर, आर कौन है आर की बताइएगा, पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन किधर होगा, हालांकि एनर्जी में आप कहेंगे डायरेक्शन क्यों ले रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं ये कहां, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज ना, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज ना, इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना, ये तो प्लस जेडी न्यूक्लियस का चार्ज है ना, तो इसमें तो प्लस है, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो माइनस, अरे माइनस होगा तो यहाँ माइनस लगेगा ना, तो अब बताओ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी किसी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है टोटल एनर्जी कितना होगा, के प्लस, काइनेटिक एनर्जी प्लस, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, बताइए बेटा क्या लिखूं, बोलिए क्या लिखूं, के प्लस यू इज इक्वल टू, अरे के का वैल्यू बता दीजिए बेटा, z e square upon 8 pi epsilon naught into r, plus plus रखेंगे तो minus हो जाएगा ना, अरे plus minus minus, आइए direct लिखते हैं minus, बोलिए 1 upon 4 pi epsilon naught into z e square upon r, ए बेटा hydrogen atom के लिए z को गायब कर दूं, या फिलहाल अभी देख लेते हैं z के last में गायब करते हैं, यहाँ दिखते ना, रुकिए जरा तो बस एक सेकंड बेटा, बस एक सेकंड बेटा छोड़ रहे हैं इधर से, तो यहाँ पर बताइए इसको माइनस करिए, बताइए ई इसका ठीक दुगना है का, ये देख लीजिए, जी सर देखिए ना, अगर इसमें दो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने में बन जाएगा, हाँ या ना, देख लीजिए पहले दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 4 हो जाएगा, तो बताओ बराबर हो जाएगा कि नहीं, तो ये इसका आधा है, इसका ये आधा है, अरे बेटा अगर इसको मैं x कहूं तो बताओ ये कितना है, x by 2 है, या मैं इसको x कहूं, इसको x कहूं तो ये 2x है, देख लो, बोलिए इसमें जब 2x करोगे इसमें 2 का कहां है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना ना बन जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करो 2 e 4 हो गया, बताओ सही कि नहीं, तो बताओ अगर हम x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x, बोलिए तो बताइए x की जगह कितना है, z e square, बोलिए अरे z e स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r में से माइनस करोगे अगर आप, z e स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r टोटल एनर्जी आएगा, तो बताओ इसका ये इसको इसका ठीक ये आधा है, देख लो क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा, बोलो, तो इसलिए अगर मैं कह दूं इस छोटे वाले को अगर x कहूं तो ये क्या होगा 2x, तो 2x में से x में से 2x घटेगा और घटेगा तो माइनस में आएगा, हाँ या ना, बोलो, तो इसलिए माइनस, अब बताओ कितना x, x का वैल्यू z e स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, बोलो समझ में आया कि नहीं, टोटल एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की इतनी होगी किसी ऑर्बिट में, समझ में आया, एक बात और सुन लो, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू 1 रख देना, ओके तो कितना आएगा बताओ, माइनस e स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये होगी टोटल एनर्जी, लो खत्म, ओके, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।